अस्सलाम वालेकुम गाइस, सुबह बखैर। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सबसे पहले तो खोलते हैं मुर्गियों और बतखों को। बड़ी मुर्गियां और बतखें जो है वो इधर ही हैं, और छोटी सभी मुर्गियां जो है वो अपनी जाली की तरफ से एक चक्कर लगा के इधर को फिर से भाग गई हैं। चाचा जान डाल रहे हैं यहाँ पे बकरियों को चारा। तो जी आज सुबह सुबह जो है वो काफ़ी धुंध पड़ गई है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। दूर दराज तक शायद ही कोई चीज़ नज़र आ रही है, वो देखें गाड़ी दूर से जा रही है मगर बामुश्किल ही नज़र आ रही है। इतनी शदीद धुंध जो है वो पड़ चुकी है। सूरज निकलने की कोशिश कर रहे हैं मगर सूरज भी धुंध की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो इसी वजह से मुर्गियाँ और बतखें जो है वो भी मैंने आज लेट निकाली हैं। मुर्गियों को डालते हैं दाने। बथुओं ने काफ़ी सारे अंडे जो है वो दिए हुए थे यहाँ इस पेटी के पीछे, और ये पेटियाँ जो है वो ऊपर पड़ी हुई थी। तो अक्सर मुर्गियों को जो है वो अब्बू जान खोल देते थे, उन्होंने देखे नहीं कि अंडे यहाँ पे पड़े हैं या नहीं। मुझे अक्सर कहते थे कि बतखें जो है वो अंडे नहीं देती, तो आज मैंने गौर से देखा कि यहाँ पेटियों के सबके पीछे देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे अंडे जो है वो पड़े हुए थे। बथुओं को दाने और पानी जो है वो डाल दिए, और अभी चलते हैं इन अंडों को जो है धो के चेक करते हैं कि इनमें से अंडे कितने ठीक हैं और कितने जो है वो ख़राब हो चुके हैं। बतखें जो है वो बाग से बाहर आ जाती हैं और आज धुंध जो है वो काफ़ी बड़ी है, इस वजह से इनको जल्दी बंद कर देंगे ताकि कोई जानवर जो है वो इनको ना पड़ जाए। अंडे चेक करें किस कदर जो है वो मिट्टी की वजह से गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मुर्गियों के डरबे में काफ़ी कीचड़ था जिसकी वजह से अंडे जो है वो काफ़ी गंदे हो रहे हैं। अभी इनको धोते हैं फिर देखिएगा, साफ़ सुथरे सफ़ेद हो जाएंगे। तो अंडा मेरे ख्याल में ख़राब जो है वो कोई भी नहीं है, सारे अंडे ठीक हैं। धूप निकल आई है और मौसम जो है वो काफ़ी खुल गया, तो अभी चलते हैं फार्म हाउस पे। डॉली के लिए खाना जो है वो मैंने साथ लटका ली है मोटरसाइकिल के, और चलते हैं अभी फार्म हाउस की तरफ। तो ये रही जी विजया फातिमा। विजया फातिमा से लेते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये मैं चीज़ लाया था विजया फातिमा के लिए, ये लो ठीक है, चीज़ खा लो आप। मैं जा रहा हूँ फार्म हाउस पे, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ तो करो ना, अल्लाह हाफिज़। बारिश हुई, आज चौथा दिन हो चुका है मगर अभी तक खेतों में से पानी जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक खेतों में पानी जो है वो जूं का तूं चल रहा है, और लोगों के लिए खेतों में से चारा काटना जो है वो भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो लें जी अलहमदिल्ला फार्म हाउस पर मैं पहुंच गया हूँ, और आज ठंड जो है वो भी काफ़ी शदीद रही है। मोटरसाइकिल पर काफ़ी ठंडी हवा जो है वो लगती रही। मुझे आइडिया था कि धूप निकल आई है तो इतनी ठंड महसूस नहीं होगी, मगर जब आधा रास्ता तय कर लिया तो उसके बाद इतनी शदीद ठंड जो है मुझे महसूस होना शुरू हो गई। तो बड़कश जो है कि निकला हुआ था, मैंने कहा अब फार्म हाउस से होके ही आएँगे। तो लें जी डॉली जो है वो निकल पड़ी है अपने विज़िट के लिए, अभी फार्म हाउस के इर्द गिर्द जो है वो सारे विज़िट करके आएगी। डॉली फार्म हाउस का विज़िट जो है वो कर रही है, और अभी रोटी की तलब इसे हो रही है, अभी डालते हैं इसको रोटी। डॉली कुछ रोटी खा गई है और कुछ छोड़ गई है यहीं पे, और कौवे जो है वो आ गए हैं रोटी को उठाने के लिए। डॉली गई थी पानी पीने के लिए और पानी पी के आ गई है, फिर से बाकी रोटी जो छोड़ के गई थी वो खाना शुरू कर दी इसने। कुछ रोटी हमने डॉली को बाहर डाल दी थी और कुछ जो है वो हम अंदर इसके लिए रख देंगे ताकि बाद में जो है ये खा ले। तो ये रहे जी डॉली के बच्चे। डॉली के बच्चों ने जो है अभी तक आँखें जो है वो नहीं खोली। डॉली जो है वो भी घूमने फिरने के बाद कमरे में आ गई है। डॉली बाहर से घूम फिर के आ गई है और अभी पिला रही है यहाँ पे आके बच्चों को दूध। और अभी हम भी चलते हैं खेतों का जो है वो विज़िट करके आते हैं, आपको भी फसलें जो है वो दिखाते हैं और ख़ुद भी जो है वो घूम फिर के आते हैं। फार्म हाउस का काम निपटाने के बाद अभी निकलते हैं वापसी घर के लिए। तो जी अभी चलेगा दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में हमारे पास आज बीफ पुलाव और साथ में जी दही का रायता। वंशाव जो है वो भी आ गया स्कूल से और खाना खाने के बजाय खा रहा है जी नीम को। फार्म हाउस से वापस आते ही मुझे मजीद टास्क जो है वो मिल गया, तो चलिए देखते हैं कि अभी कौन कौन सा टास्क जो है वो मिला है।
पहला टास्क है हमारा ये कि ये दो औजार हैं कटिंग के टोके, इनको तेज़ करवाना है। तो तेज़ करवाने के लिए हम आए यहाँ पे शॉप पे। हेलो सर, हो जाएंगे ना? एक टोके की दार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई है, और भी दूसरा जो है वो भी तैयार हो रहा है। तो चलिए जी, ये काम तो हुआ मुकम्मल। अभी का हमारा दूसरा काम जो है वो है जी मुर्गी का गोश्त लेके जाना था। जिस काम के लिए हम लोग निकले थे वो मुकम्मल करके मैं घर आ गया हूँ। तो ये देखें जी, जिया बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है जिया बेटा, हैं? बड़ी मुर्गियां जो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे गुदाने वगैरह बिखरे हुए थे उनको खाने के लिए। तो नई मुर्गियां जो उनको भी खोलते हैं अभी, नई मुर्गियों को भी खोलते हैं अभी। इनका ले सारे, हाँ है? किसने निकाले? वो शॉप ने निकाल दिए। वही तो, ये देखें जी सारे चूजे जो मैंने बंद किए हुए थे वो निकाल दिए। वो कह रहा था वो जिया फातिमा ने निकाले थे। जंप लगा के आ गए थे वो। जिया फातिमा को पता है जी ऊपर से जंप लगा के आ जाते हैं। सभी मुर्गियां जो है मैंने जाली खोली तो नीचे से आ गई है। तो ये मुर्गी जो है वो अभी भी जाली ऊपर से क्रॉस करके आ रही है। तो मुर्गे को चेक करें, ये फौरन से लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। तो अभी बतखों को भी थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं ताकि बतखें जो है वो भी घूम फिर लें। ये एक ही आ रही है, बाकी जो है वो उधर पीछे छुप के बैठी हुई हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ जी एक मुर्गी ने अंडा। मुर्गियों और बतखों को खोल दिया और अभी ये घूम फिर लेती हैं। तब तक हम कोई और काम जो है वो कर लेते हैं।